हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्प लाइन, इंडियाज ओनली यूट्यूब चैनल वेयर यू कैन फाइंड ऑल द पासपोर्ट एंड वीज़ा रिलेटेड वीडियोस। और गाइज, आज का जो वीडियो हमारा काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो फेस करते हैं जो अपने एक फ्रेश और नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। और गाइज, वो है एडवर्स पुलिस रिपोर्ट। बहुत सारे लोग का जो है पासपोर्ट अप्लीकेशन के बाद जब उनका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब उनका प्रोसेस है वो इनिशिएट किया जाता है, ऐसे में जब वो अपना ट्रैक करते हैं या फिर जो उनके पास SMS आता है और वो SMS आता है कि आपका जो अप्लीकेशन था पुलिस वेरिफिकेशन का वो एडवर्स आ गया है, ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं यार आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसका क्या सलूशन है और आगे जो है कौन कौन से उनको फिर से जो है प्रोसेस रिपीट करने पड़ेंगे तभी जो है उनका पासपोर्ट अप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर पुलिस एडवर्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों, नो डाउट पुलिस वेरिफिकेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पासपोर्ट मेकिंग का, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसमें कि आपको पुलिस को जो है पूरा सेटिस्फैक्शन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एप्लीकेंट है इसने सारा इन्फॉर्मेशन सही दिया है, तभी उसका वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद उसका रिपोर्ट जो है वो ओके भेजते हैं SP ऑफिस को, और फिर SK ऑफिस से पासपोर्ट सेवा केंद्र पर आपका जो फाइल है वो वहाँ पर चला जाता है और वहाँ ओके होने के बाद आपका जो पासपोर्ट प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाता है। ऐसे में गाइस, बहुत सारा केसेस में ये होता है कि जो आपने इंफॉर्मेशन दिया है अपने एप्लीकेशन में वो अगर मैच नहीं करता है, जैसे कि आपका नाम तो चलो मैच कर ही जाता है, नाम में तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर आपका एड्रेस जो आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिए हैं, जो आपने एज एड्रेस प्रूफ में अपना डॉक्यूमेंट दिया था अपॉइंटमेंट के समय, अगर पुलिस उसमें कुछ डिफरेंस पाती है तो वो वहाँ पे चांसेस होता है कि वो आपके पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है वेरिफिकेशन का उसको वो एडवर्स कर देंगे। बहुत तरह का मिसमैच यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, केवल यहाँ पे आपका एड्रेस ही नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ का या फिर आपने जो वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रूल ये है कि आप जो भी एड्रेस वहाँ पे दे रहे हैं उस पे आप कम से कम 1 साल से ज़्यादा समय से वहाँ पे रहना ज़रूरी है। ऐसे में अगर आप नए आए हैं कहीं पे और वहाँ पे लोकल आपको कोई जानता नहीं है और अगर आप वहाँ के एड्रेस दे देते हैं, जब पुलिस वहाँ पे आती है फिजिकली इंस्पेक्शन के लिए और वहाँ पे ये पाती है कि ये बंदा जो है यहाँ पे नया आया है, इसको 1 साल से ऊपर नहीं हुए हैं, ऐसे में जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपके रिपोर्ट को एडवर्स करके आगे जो है उसको फॉरवर्ड कर देती है, जहाँ पे फिर आपका पासपोर्ट प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो बेसिकली गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे एडवर्स का बहुत सारे लोग जो है मतलब नहीं समझते हैं, तो एडवर्स का सीधा मतलब हुआ ओके का उल्टा। ओके मतलब कि ऑल करेक्ट, सब कुछ सही है, उसको फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन वही जब ऑल करेक्ट चीज़ें वहाँ पे नहीं है तो वो एडवर्स मानी जाती हैं, मतलब कि ठीक उल्टा गलत। यहाँ पे जो आपको जब भी ऐसा सिचुएशन, मैं तो कहूँगा कि ऐसा सिचुएशन आने ही ना दो। बेसिकली दोस्तों, सारा कुछ पुलिस वालों के हाथ में ही होता है, आइधर वो ओके कर दें या फिर एडवर्स कर दें। ऐसे में अगर आप फिजिकली उनसे मिल लेते हैं एक बार, अगर ये बाई चांस ऐसा होता है कि वो आपके एब्सेंस में ही आपके एड्रेस पे आ जाएं बिना आपको इन्फॉर्म किए हुए, तब चांसेस होती हैं कि वो एडवर्स किया जाए। लेकिन अगर आप पहले से उनके कांटेक्ट में रहेंगे, अगर आप उनसे जाके मिल लेंगे और बोलेंगे कि सर मेरा पासपोर्ट का अप्लीकेशन है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चलें वहाँ पर आप बात कर लें, मैं यहाँ पर रहता हूँ, तो वो वहाँ से आपका पासपोर्ट का जो वेरिफिकेशन है वो ओके करके भेज देंगे। लेकिन अगर वो गलती से बाई चांस अगर आपके एब्सेंस में आ गए और उनको आपके बारे में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगा आपके लोकेलिटी में, तो आपका एडवर्स कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि बाई चांस अगर आपका जो रिपोर्ट है वो एडवर्स पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ गया, अब क्या करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे पासपोर्ट मेकिंग का जो क्राइटेरिया है, जो यहाँ पे बॉडीज जो काम करती है, वो दो तरीके से काम करती है। एक होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र और एक होता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। मैं फिर से बता रहा हूँ, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस एक होता है जिसको RPO बोलते हैं और दूसरा होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो कि हर जगह हर शहर में होता है। लेकिन जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है वो आपके हर राज्य के राजधानी में रहता है, मतलब ये कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप अपना अपॉइंटमेंट के लिए तो आप अपने ज़िले के मुख्यालय में जाएंगे, लेकिन जब आपका जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होगा वो होगा पटना में। अगर आप UP से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप बनारस में रहते हैं तो आप पासपोर्ट बनाने के लिए तो बनारस में ही वहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाएंगे, लेकिन जो उनका मेन ऑफिस जो होता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस वो है लखनऊ में। तो ठीक उसी तरीके से जिस केस में आपका एडवर्स अगर आपका केस आ जाता है
तो दोस्तों आपको जाना पड़ेगा RPO मतलब रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में, क्योंकि आपकी फाइल जो भी एडवर्स फाइलें होती हैं वो डायरेक्टली वहीं पे जाती हैं, तो आपको वहां पे कांटेक्ट करना होगा। आपको जाकर वहां पे अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर बताना होगा, उस नंबर से वो आपका ट्रैक करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके पुलिस वेरिफिकेशन में जो है ये कमियां हैं वो पाई गई हैं, इसके बिना आपका जो है आपका जो रिपोर्ट है वो ओके नहीं है, इसको हम फिर से वापस भेजते हैं, फिर से वेरिफिकेशन करवाइए। ऐसे में दोस्तों वो वहीं पे फिर से जो है आपका फाइल सॉरी गाइस थोड़ा सा तो फिर से वो आपका फाइल जो है आपके लोकल थाने में आ जाएगा और फिर से वही प्रक्रिया जो होगी वेरिफिकेशन का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बार तो आप पहले से मुस्तैद रहेंगे, तो पहले ही आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे कि सर पिछली बार मेरा जो है वो एडवर्स चला गया था, इस बार प्लीज़ इसको फाइल ओके कर दीजिए। थोड़ा सा उनको भी कुछ मतलब खुश कर देना यार, क्योंकि बेचारे वो भी इतनी मेहनत करते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे अगर आप अपना थोड़ा सा बॉन्डिंग उनसे अच्छा कर लेंगे तो वो इस बार जो है आपका वो फाइल को है वो आगे बढ़ा देंगे और उसके बाद डायरेक्टली जो है आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र में चला जाएगा और आपका पासपोर्ट प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाएगा। तो बेसिकली गाइस एडवर्स पुलिस रिपोर्ट जब भी आपका आए तो आपको करना क्या है कि आपको कांटेक्ट करना है आपके रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में और वहां से एक फ्रेश जो है फिर से एक नया डेट लेना है वेरिफिकेशन के लिए। तब आप जब तक वहां पे जाएंगे नहीं तब तक वो फिर से आपके फाइल को आपके थाने में भेजेंगे नहीं, तो आपको वहां पे एक बार हाजिरी लगाना जरूरी होता है। उसके बाद से ही 2 या 3 दिन के अंदर वो रिपोर्ट जो है आपके थाने में आ जाती है और फिर आप वहां से जाके कांटेक्ट करके उनसे फॉलो अप करके जो है आप अपना जो प्रोसेस है आगे वो इनिशिएट कर सकते हैं।